एट द मीन टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस, मैं तब तक उसको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आपका सेल इंजीनियर वाला पोर्शन क्लियर हो गया ना? हेलो। और मैंने अब एक शेयर भी किया था जो टॉपिक शेड्यूल्ड है डिफरेंट टीचर्स के लिए फैकल्टी में, तो अगर उसको आप देखो तो पहला जो यूनिट था मेरा उसका हमने सब कुछ कर लिया रिगार्डिंग स्कोप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। मैं आपसे ही कह रहा था कि जो टॉपिक मुझे असाइन थे उसमें एक कॉलम में आपका था ये स्कोप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी प्लस इटियोलॉजी प्लस सेल इंजरी, वो मैंने डील कर लिया। अब जो आपका रह गया इन्फ्लेमेशन वाला मेन पार्ट और वुंड हीलिंग, में इसलिए पूछ रहा था कि विथ बेसिक ऑफ इन्फ्लेमेशन ही आपको समझ में आएंगे वुंड हीलिंग, ठीक है? तो इसलिए मैं चाह रहा था जितना जल्दी आपका इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए आगे की चीज़ें आसान हो जाए। कुछ आप डिजेनरेटिव चेंजेज ही पढ़ रहे हो, डॉक्टर कौशल आपको पढ़ा रहे हैं फैटी चेंज वगैरह, वो सब सेल इंजरी के ही पार्ट है। तो अच्छा है कि सेल इंजरी वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश, इधर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर हम लोग अभी इंफ्लेमेशन शुरू कर ले तो आपको वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? हाउएवर लेट स्टार्ट विथ आवर टुडे क्लास। सो द टॉपिक इज इन्फ्लामेशन। तो इन इन्फ्लामेशन आई थिंक इट विल टेक अबाउट 5 क्लासेस, 4 to 5 क्लासेस आई विल टेक फॉर इन्फ्लामेशन। सो इन द फर्स्ट क्लास आई विल डील विद द डेफिनेशन, द डिफरेंट इटियोलॉजी फॉर इन्फ्लामेशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इन टुडे क्लास आई विल ट्राई टू फिनिश these 3 subtopics regarding definition, cause and types. ठीक है? If anyone of you have any concept regarding inflammation, किसी के पास है कोई concept that you can convey, जो बता सकते हो inflammation क्या है? सर inflammation में सर जब कोई भी तरह का सेल इंजरी होता है तो एक्टिवेटेड इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं सर, लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, सेल्स, लिम्फोसाइट्स। और इन्फ्लेमेशन के 5 साइन होते हैं लाइक के रेडनेस, हीट, पेन और डिक्रीज इन फंक्शन। मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन इन्फ्लेमेशन तो क्या कहेंगे? ये तो डिस्कशन था, आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, एक लाइन में मुझे इन्फ्लेमेशन डिफाइन करना हो कैसे करें? इन्फ्लेमेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ वास्कुलर एंड सेलुलर अल्टरनेशन ऑफ द बॉडी रिस्पांस टू इंजरी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मैं पूरा नहीं सुन पाया। आप बोल रहे हो कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसके बाद आप शायद बोल रहे हैं सर इन्फ्लेमेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ वास्कुलर एंड सेलुलर अल्टरनेशन अकर इन बॉडी इन रिस्पांस टू इंजरी। हाँ ठीक है, बढ़िया है। आप थोड़ा समझाइए जरा मुझे इस चीज को, डेफिनेशन आपने ठीक कहा नो डाउट, आप जिसे समझे क्या आप थोड़ा एलोबरेट कीजिए, मतलब ऐसे एलोबरेट करो जैसे मैं एक लेमैन हूँ नहीं समझता मैं क्या है इन्फ्लेमेशन, मुझे समझाने का कोशिश कीजिए कि सर इसका ये मतलब होता है ऐसे होता है, थोड़ा मुझे एलोबरेट करो। करेंगे कर पाएंगे सर? यानी सर यानी इरिटेट इंजरी हो जाता है सर, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, वायरस, कोई ऐसा एजेंट है जो इंजरी कॉज कर रहा है, उसके बाद फिजिकल और केमिकल इंजीनियरिंग। हाँ ठीक है, किसी भी तरह की इंजरी हुआ बॉडी में उसके बाद क्या? थोड़ा ठीक है आप सही कह रहे हैं मगर उसको थोड़ा समझना होगा, डिफिनेशन आपने ठीक ही कहा है मगर उसका एक कंसेप्ट समझना होगा। देखो जो लिटरल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ इसका लैटिन वर्ड तो सर इन्फ्लामेरे हो जाता है। हाँ मैं आपसे सिंपली पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम, फ्लेम एफ एल ए एम ई फ्लेम, तो आप क्या बोलते हैं फ्लेम का क्या मतलब होता है? आग का लॉ होता है ना फ्लेम, जो आग जलता है उसी को बोलते हैं ना फ्लेम, सिंपल इंग्लिश जो है
ठीक है। और मैं पूछता आई एन इन का क्या मतलब होता है, तो इनका मतलब होता है में, है ना, में। तो क्या मतलब होगा कि आग में, लॉ में, तो जल रहा है उसमें, है ना। तो इंफ्लेमेशन का बेसिक मतलब वही है, इन फ्लेम, इन फ्लेम मतलब जहां पे इंफ्लेमेशन होगा वो एरिया ऑलमोस्ट बर्निंग की तरह होगा, वहीं से टर्म फ्रेम किया गया है इनफ्लामेशन। ठीक है, पहला बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये इन्फ्लामेशन कहाँ पे होगा, बॉडी में सिर्फ वहीं पे होगा जहाँ पे ब्लड सप्लाई है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होगा। और ब्लड सप्लाई है तो कब होगा, जब कोई इंजूरियस एजेंट होगा या कोई इरिटेंट होगा, जो आप में से कोई कह रहे थे प्रॉब्ली संतोष सुमन बता रहे थे, कोई एजेंट होना चाहिए जो इंजरी काउज करता है, कोई स्टिमुलाई प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिमुलाई होना चाहिए प्लस आपका ब्लड सप्लाई होना चाहिए, दो चीज जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जो इसका डिफिनेशन है उसको कहते हैं इट इज द रिएक्शन ऑफ वैस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू अगेंस्ट एनी इंजरी। बॉडी में कोई इंजूरियस एजेंट है उसके खिलाफ आपका रिस्पॉन्स कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्लड सप्लाई है। ये कहना क्यों जरूरी है, ऐसे भी कह सकते थे लोग इट इज अ रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट एनी इरिटेंट, ऐसे भी कह सकता था, लेकिन मैं इंडिविजुअल नहीं बोल के मैं कह रहा हूँ वैस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू, इसलिए कह रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल में कुछ ऐसे भी साइट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता। सर फॉर एग्जाम्पल कॉर्निया, तो कॉर्निया में आपको इन्फ्लेमेशन नहीं मिला, इसका मतलब ये मस्ट है कि इन्फ्लेमेशन लिविंग बॉडी में ही होगा और वहीं पे होगा लिविंग बॉडी में जहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। ठीक है, ये एकदम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इन्फ्लेमेशन की। तो सिंपल क्या हुआ, इट इज द रिएक्शन ऑफ वैस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू अगेंस्ट एनी इंजरी, और नेचुरली जब वैस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू है तो लिविंग इंडिविजुअल में ही होगा, किसी डेड पर्सन में इन्फ्लेमेशन नहीं हो सकता, आफ्टर डेथ इंफ्लेमेटरी कंडीशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो शुरू में कोई कह रहे थे इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें वैस्कुलर चेंजेस भी होते हैं और सेलुलर चेंजेस भी होते हैं, वो भी उतना ही बड़ा फैक्ट है। जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, जिस साइड पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे चेंज इन द ब्लड वेसल्स भी होंगे, चेंज इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स, प्लस चेंज इन द सेल इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ कुछ ऐसे सेल्स आएंगे जो यूजुअली वहाँ पे नहीं होते, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन भी होंगे प्लस ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस आएंगे, तो दोनों ही इवेंट्स होते हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वैस्कुलर चेंजेस भी होंगे और सेलुलर इवेंट्स भी होंगे, नो डाउट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यह था कि डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन मुझे लगता है आप समझ गए, इनफ्लेम्ड एरिया जो बर्निंग की तरह है, जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, महाभारत का मैदान बना हुआ है बिल्कुल, कुछ लोग कार्डिनल साइंस की बातें कह रहे थे, कार्डिनल साइंस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, नेचुरली जहाँ पे जबरदस्त फाइटिंग होगा वहाँ पे जो नाम गिना रहे थे, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, हीट होगा, है ना, पेन कंडीशन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ये सब फाइव इंपॉर्टेंट चेंजेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस है इन्फ्लेमेशन का, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होंगे ये होंगे, उसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, रिगार्डिंग टाइप्स उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन हम लोग स्लाइड के साथ थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन, मैंने क्या कहा, द रिएक्शन ऑफ लिविंग वैस्कुलराइज टिश्यू अगेंस्ट एनी इंजरी, किसी भी तरह इंजरी के अगेंस्ट में एक लिविंग बॉडी का जो वैस्कुलराइज टिश्यू है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई है, वहीं पे रिएक्शन होगा। क्यों होता है, नेचर ने क्यों दिया है इन्फ्लेमेशन आपको, इन्फ्लेमेशन इसलिए दिया है, द गोल इज टू डाइल्यूट, डिस्ट्रॉय एंड वॉल ऑफ द इंजरियस एजेंट, जो इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है, जो इरिटेंट है, आप उसको डाइल्यूट करें या हटा ही दे मार के, नहीं हटा सकते तो डाइल्यूट करें, वो भी नहीं कर सकते तो उसको एक जगह कैद कर लीजिए, वॉल ऑफ कर लीजिए, कि जितना कर रहे हो डैमेज बस उतना ही कीजिए, ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिए, तो उसको एक घेराबंदी कर देते हैं। तो कोशिश ये होता है कि कंप्लीट रिस्टोर करे, कंप्लीट हटा दे, डिस्ट्रॉय करके एकदम हटा दे, नहीं कर सकते तो डाइल्यूट करेंगे कि जो नुकसान हो थोड़ा कम हो,
वो भी नहीं कर सकते तो उसको वॉल ऑफ कर देते हैं, छेक लेते हैं कि जितना डैमेज आपको करना है खास जगह पर कीजिए, मैं आपसे नहीं लड़ पा रहा है लेकिन आपको आगे नहीं आने दूंगा। तो ये सब उसका गोल है, यानी बेसिक गेम बेनिफिशियल है। इंफ्लामेशन होना अच्छा है, इसमें आप सोचोगे कि कहीं पेन हो रहा है, पेन भी तो इन्फ्लामेशन का साइन है। तो मेरे बॉडी में बहुत सारा पेन हो रहा है तो ये अच्छा कैसे है? तो अच्छा है, पेन अच्छा है। पेन अच्छा इसलिए है कि इंडिकेटिव है, ये इंडिकेटिव है कि कुछ चेंजेज हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं, आप उसके खिलाफ सोचिए समझिए। आपको पेन ही नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चले आपका कब कौन सा ऑर्गन डैमेज हो गया, क्या दिक्कत होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बस बैठे हो पीछे से पीठ काट के किडनी निकाल के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। यानी पेन जरूरी है, ठीक है, ये सारे तकलीफ देते हैं लेकिन बेनिफिशियल। तो मैंने कहा क्या कहा था कि फाइनली इंफ्लामेशन इज ए बेनिफिशियल प्रोसेस, बट समटाइम्स इट वांडर्स अवे। कभी कभी उसका रूट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या तो रूट चेंज हो जाता है या फिर ओवर रिएक्टिव हो जाता है, ऐसे कंडीशन में वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इंफ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि आपका जो इम्यून मीडिएटेड है बॉडी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी चीजें हैं, या कभी कभी जो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाते हैं, सीवियर इंफ्लामेशन, जितनी जरूरत था नहीं उससे ज्यादा रिएक्ट करने लगे। ठीक है, अब जो इन्फ्लामेशन है वो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। तो कैसे होता है ये? नॉर्मली क्या है कि आपको इतना एजेंट है तो इतना आपको रिएक्ट करना है, एक खास लिमिट में होगा। पैथोलॉजिकल कब हो जाता है कि या तो उतना भी नहीं करे जितना उसको करना चाहिए था रिएक्ट, या उतना करने लगे जितना जरूरत नहीं था उससे ज्यादा करने लगे। तो उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जरूरत से ज्यादा आप रिएक्ट करने लगे वो भी खतरनाक है, और कम करे आपका इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, वो भी ठीक नहीं है। ये दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट इन्फ्लामेशन इज बेनिफिशियल। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेज है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसमें है हीट है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, लॉस ऑफ फंक्शन है। हीट को कैलर बोलते हैं, रेडनेस को रिवर बोलते हैं, स्वेलिंग को ट्यूमर, पेन को डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्सियोलाइजा। इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे लिखा रहेगा कैलर, व्हाट कैलर डिनोट्स, तो हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ऐसे चार ऑप्शन होंगे तो आपको हीट ठीक करना होगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका वाइवा में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ए फाइव कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, कुछ बातें जो एकदम जरूरी है रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, टॉप 10 पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि इन्फ्लामेशन इज ए गुड थिंग, जैसे मैंने कहा इट इज ए बेनिफिशियल। नेक्स्ट, हाउएवर इन्फ्लामेशन कैन बी बैड, मतलब कभी कभी ये वांडर हो जाता है उसका, और उससे आपको हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं, ये भी बात होगी। नेक्स्ट, प्रेडिक्टेबल सीरीज ऑफ इवेंट्स, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, कहने का ये मतलब है कि जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन होते हैं तो उसमें रोल बहुत सारे चीज़ों का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इवन ब्लड वेसल्स के कैलिवर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मीडिएटर्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मगर जो इवेंट्स होंगे, जो चेंजेज होंगे वो एक सीरीज में ही होता है। यानी आप उसको पढ़ सकते हो कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा। इवेंट्स सिक्वेंशियल है और पार्टिसिपेंट्स मल्टीपल है। ओनली अकर्स इन लिविंग टिश्यू, ये भी आपसे बात हो गई। डिफेंस मैकेनिज्म है, इनेट इम्यूनिटी है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनबॉर्न इम्यूनिटी। आप इन्फ्लामेशन सीखते नहीं है, आपको इन्फ्लामेशन बाई बर्थ ही नेचर में दे रखा है। ए रिस्पॉन्स इवोक्ड बाई इनिशिएटिंग स्टिमुलस, अनलेस कोई इरिटेंट नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं होते, कम से कम शुरुआत के लिए जरूरी है, इनिशिएशन के लिए जरूरी है, वो बाद में फिर से साइकिल सेटअप हो जाए। जैसे लीवर सिरोसिस है, तो किसी वजह से मान लीजिए आपका लीवर में सिरोसिस हो गया, फाइबर फॉर्मेशन हो गया, अब आप बड़ा कॉशियस हो गया, आपने वो जैसे मान लीजिए आप अल्कोहलिक थे, आपका लीवर सिरोसिस हो गया, आपने अल्कोहल लेना बंद कर दिया, यानी स्टिमुलाई खत्म हो गया, जो इंजूरियस इरिटेंट था वो खत्म कर दिया आपने, तो उम्मीद ये करना चाहिए कि अब मेरे लीवर में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होगा। लेकिन तब भी हो सकता है, चूंकि आपने एजेंट अल्कोहल को बंद किया है, लीवर में फाइबर बन गया है, एट द मीन टाइम सिरोसिस हो चुका था, तो अब ये जो फाइबर है वो इटसेल्फ एक इरिटेंट, तो एक विशेष साइकिल हो जाता है। तो ऐसा लगता है इस लाइन से ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए रेस्पॉन्स इवोक्ड बाई इनिशिएटिंग स्टिमुलाई,
कि एवरी टाइम इंफ्लामेशन जहाँ पे हो रहा है वहां पर आपको इरिटेंट दिखे ही हो, ये जरूरी नहीं, वो सेटअप करके खत्म भी हो सकता है, लेकिन आप खुद खत्म होने से पहले उसने वहां पे ऐसे चीजें बना दी आपकी बॉडी का ही, फाइबर क्या है, बॉडी का हिस्सा है, उसी को उसने ऐसा बना दिया कि वो आपको इरिटेट कर, तो एक विशेष साइकिल हो जाता है और लिवर सिरोसिस ठीक नहीं होता, उसको डिले कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है तो चलता ही रहता है। ठीक है, फेयरली स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ द इनिशिएटिंग स्टिमुलस। तो इसमें एजेंट कौन सा है, बैक्टीरिया है, कोई तार चुभ गया है, कोई केमिकल से हो गया है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, इंजीरियस एजेंट कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है इसका रिस्पॉन्स, बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, इसके जो इवेंट्स होंगे ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, कि ब्लड वेसल्स में ये चेंज आएगा, या तो आप एसिड डाल दो वहाँ पे, या डंडे से मार दो वहाँ पे, कुछ भी कर दो, ब्लड वेसल्स को वैसे ही चेंजेस आएंगे, वही सेल्स आपके काम करेंगे इम्यूनिटी में, वो स्टीरियोटाइप्ड फिक्स्ड ऑलमोस्ट कि ऐसे ही होगा। द रिएक्टिव कंपोनेंट्स कम मोस्टली फ्रॉम द ब्लड, ये तो नोन फैक्ट है, वैस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू है, ब्लड का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, तो जो भी चीजें आना है इंफ्लेमेटरी साइट पे वो सारे ब्लड से ही निकल के आते हैं। ठीक है, हाईली रिडंडेंट एंड मेनी मीडिएटर्स, ये एक अलग ही चैप्टर है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, बासु की वेबसाइट पे यूट्यूब में है आपका केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, मेरा ही लिया हुआ क्लास है, अगर किसी को पहले थोड़ा समझना हो तो आप सिंपली यूट्यूब में जाइए, बासु के यूट्यूब में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन बाय डॉक्टर संजीव कुमार, आपका आ जाएगा, वो बहुत ही क्लियर कट क्लास है, आपके सारे रिलेटेड टू केमिकल मीडिएटर्स फिर आपको क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्लियर कट है वो, आप उसको देख सकते हैं। एंड लास्टली सेटअप इन्फ्लामेशन एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी फाइनल गोल क्या है, रिपेयर रिजनरेशन यानी हील कर देना, चीज़ों को नॉर्मल की तरफ ले जाना, ये इन्फ्लामेशन का बेसिक पर्पज है। ठीक है, टू रिपेयर एंड हील टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब ये जो है आपका, मैंने कहा डिफिनेशन की बातें करेंगे, फिर हम लोग बातें करेंगे इटियोलॉजी का, काउज का, कौन कर सकता है बॉडी में इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो आप में से कुछ कह रहे थे कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक, टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, ट्रामा यानी फिजिकल ट्रामा, अदर एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि थर्मल रेडिएशन, कॉस्टिक्स, बॉडी में कहीं पे नेक्रोसिस हो रहा है, डेथ हो रहा है, इट कैन ऑल्सो इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई नेल चला गया, जानवर ने कील खा लिया, तब भी हो जाएगा, और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ये भी एक डिफरेंट चैप्टर ही है, इसकी भी यूट्यूब में है, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का, तीन पार्ट में है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये मुझे नहीं पढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो कॉज कैन बी मेनी, मल्टीफैक्टोरियल कॉज, किसी भी चीज़ से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसको हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हो, किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, तो ऑन फोर बेसिस, पहला बेसिस है सीवियरिटी, इन्फ्लेमेशन कितना सीवियर है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन, टाइम बेसिस, कितना देर तक चला आपका इन्फ्लेमेशन, अगला है डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन किसी ऑर्गन में हो रहा है तो होल ऑर्गन में हो रहा है, ये पार्ट ऑफ ऑर्गन में हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, उस ऑर्गन में पूरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, थोड़े थोड़े करके सारे जगह कर रहा है, इस तरह का जब उसको क्लासीफाई करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एक्सुडेट, एक्सुडेट का आइडिया है किसी को, व्हाट इज एक्सुडेट, कोई बता पाओगे एक्सुडेट, नहीं, तो इंफ्लामेटरी फ्लूइड्स है, जो नॉन इंफ्लामेटरी फ्लूइड होते हैं बॉडी में उसको बोलते हैं ट्रांसुडेट। ठीक है, जैसे एडिमा, एडिमा पूरी बॉडी में मान लीजिए आप प्रोटीन कम खाते हैं, या आपका लीवर डैमेज हो गया है, प्रोटीन कम फॉर्मेशन हो रहा है, या किडनी खराब हो गया, प्रोटीन बॉडी से बाहर चला जा रहा है, तो
ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया ऑस्मोटिक प्रेशर की कमी हो जाएगी ब्लड वेसल्स में, उसके वजह से ब्लड वेसल्स के वाटर बाहर ही रहेंगे, जो लिम्फ वेसल्स से जो लिम्फ के वाटर आते हैं ब्लड वेसल्स में वो आ नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे वो फ्लूड एकोमोडेट हो जाएगा बॉडी में। तो उसमें कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजुडेट। लेकिन जहाँ पे इडिमा हो रहा है मतलब तो स्वेलिंग हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन, वहाँ जो फ्लूड देखोगे उसको बोलते हैं एक्सुडेट। तो ट्रांजुडेट और एक्सुडेट में अंतर आप समझ सकते हैं, क्या हो सकता है कि एक्सुडेट थोड़ा सा ज़्यादा थिक होगा, इसमें ज़्यादा प्रोटीनस मटेरियल होगा, इसमें इसका कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा होगा, इसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स ज़्यादा होंगे। तो ऐसे एक्सुडेशन के बेसिस पे भी, अब एक्सुडेशन बड़ा पतला हो सकता है, थोड़ा थिक हो सकता है, इसमें ब्लड हो सकता है, इसमें पस हो सकता है, तो क्या है उस बेसिस पे एक्सुडेट के बेसिस पे भी इन्फ्लामेशन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फोर बेसिस हो गया सिविलिटी, ड्यूरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप ऑफ एक्सुडेट। इन फोर में सबसे इम्पोर्टेंट है ड्यूरेशन, यूजी लेवल पे ड्यूरेशन वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है टाइप ऑफ एक्सुडेट का, रिगार्डिंग सिवेरिटी और रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूजी बेसिस पे हम उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देते हैं, और बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि बहुत लॉन्ग डिस्कशन होना, लॉन्ग डिस्कशन ड्यूरेशन का ही होता है और एक्सुडेट का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिवेरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन पे, ये फोर टाइप्स में हो सकता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन। मिनिमल, नाम से लग रहा है बहुत थोड़ा, माइल्ड एनी बिटवीन मॉडरेट टू मिनिमल, मॉडरेट एंड सीवियर, ये सब नोन टर्म है आप जानते हो। और सीवियर इन्फ्लामेशन हो सकता है, मॉडरेटली इन्फ्लेम हो सकता है, माइल्डली इन्फ्लेम हो सकता है या मिनिमल इन्फ्लेम हो सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें फोर सब डिविजन्स हैं, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, एटलीस्ट एक्यूट और क्रॉनिक को आपको डिटेल करना है, जानना सभी को है, पर एक्यूट को भी जानना है, एक्यूट को भी, सब एक्यूट को भी और क्रॉनिक को भी जानना है, मगर आपको मास्टरी करना है किस पे, एक्यूट पे और क्रॉनिक पे, इसको बहुत डिटेल स्टडी करना है। तो पर एक्यूट क्या है, जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन मिनट टू आवर्स, यानी उसका शुरू होना और ख़त्म होना घंटों का खेल, होगा भी बहुत फास्ट, जाएगा भी बहुत फास्ट, तो फैसला उसका बहुत जल्द हो जाता है, विद इन आवर्स, ऐसे को हम लोग बोलते हैं पर एक्यूट। ठीक है, एक्यूट उसको बोलते हैं जिसका फैसला विद इन डेज हो जाता है, आवर्स टू डेज। ये कोई मैंने लिखा जा रहा है 3 to 5 days, मैंने ऐसा कोई पत्र की लकीर खींचा हुआ नहीं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, चलो, तो आवर्स से 3 to 5 days के बीच में एक्यूट का फैसला हो जाता है। इन सब एक्यूट ये 1 to 2 weeks तक जो परसिस्ट करें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, उसको हम लोग यूजुअली सब एक्यूट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और क्रॉनिक लॉन्ग है, ये कितना भी लंबा हो सकता है, 2 weeks के बाद महीनों लग जाए, इवन ईयर्स लग जाए, बहुत लंबे लंबे क्रॉनिक डिजीज भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही रफ मतलब तरीका है क्लासिफाई करने का, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। ये कोई मतलब पत्थर की लकीर जैसा नहीं खींचा हुआ है कि 5 दिन हो गया अब इसके बाद हम एक्यूट नहीं कहेंगे, उसको उसमें भी कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं वो थोड़ा उसको जाओ। ठीक है, इन पर एक्यूट कंडीशन जो पहचान है कि ये पर एक्यूट है आपका, इसको हॉलमार्क कह सकते हैं, उसमें इडिमेटस कंडीशन होगा। पर एक्यूट में जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो या बहुत ज़्यादा पर एक्यूट हो, मतलब बहुत फास्ट काम कर रहा हो, तो वहाँ पे इडिमा होता है, और जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है क्रॉनिक कंडीशन की तरफ जाएगा तो वहाँ इडिमा नहीं मिलता। आप देख भी रहे इडिमा, इसमें भी इडिमा, इसमें मिनिमम इडिमा, इसमें इडिमा मैंने नहीं लिखा। इडिमा हॉलमार्क है, जितना एक्सटेंसिव इडिमा होगा उतना ज़्यादा पर एक्यूट को डिनोट करेगा। नेक्स्ट है रेडनेस, वो एरिया बिल्कुल रेड हो जाता है, क्योंकि बहुत फास्ट हो रहे हैं तो सारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और फिल्ड हो जाते हैं ब्लड से, ब्लड वेसल्स सारे फिल्ड हो गए, ब्लड से भर गया वहाँ पे, सर्कुलेशन स्लो हो गया, तो एरिया बिल्कुल रेड हो जाएगा। ठीक है, और चांसेस है कि हैमरेज भी हो जाए, और सेलर इन्फिल्ट्रेशन देखने को यूजली नहीं मिलते, चूँकि पैराक्यूट आवर्स का कारण है,
और इन्फिल्ट्रेशन होने में ही आवर्स लग जाता है। तो हो सकता है उस टाइम पे सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन न्यूट्रोफिल या लेकोसाइट्स के जो डिफरेंट सेल्स है वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा है कंडीशन अगर हिस्टोपैथोलॉजिकली तो उसको हम लोग पैराक्यूट बोलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम से ज्यादा ये हॉलमार्क्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हाइप्स अर्टिकेरिया। हाइप्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी कंडीशन। अर्टिकेरिया स्किन के ऊपर जो इचिंग टाइप के होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूट। एक्यूट में भी इडिमा होगा, यहाँ पे हाइपरीमिया वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा और एक्सुडेशन ऑफ फिब्रीन होगा। जितना ज्यादा सिवियरिटी होता है उतना ज्यादा फिब्रीन का फॉर्मेशन होता है। फिब्रीन क्या है तो बता पाओगे? व्हाट इज फिब्रीन? सोल्युबल सर, प्लेटलेट फैक्टर के कारण जो क्लॉटिंग को ये मतलब उसका फाइनलाइजिंग टर्मिनेशन स्टेप वही है, क्लॉटेड मास जो उसे ब्लड वेसल में डेवलप कर जाता है। ये कोगुलेशन कैस्केड के टाइम पे बनते हैं फिब्रीन। और है क्या, प्रोटीन के बहुत ही कमजोर धागे हैं। ठीक है, बहुत कमजोर धागा है ये। थोड़ा मैंने इसलिए आपसे पूछा फिब्रीन क्योंकि आपको ये जान लेना चाहिए कि फिब्रीन और फाइबर ये टर्म आपको बार बार पैथोलॉजी में मिलेगा। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि फिब्रीन फाइबर एक ही जैसा उनको लगता है, दोनों बिल्कुल अलग है, उसको डिस्कस भी करेंगे। फिब्रीन कोगुलेशन कैस्केड का एक फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोटीन के बहुत ही कमजोर धागे हैं। ठीक है, तो फिब्रीन एक्सुडेशन होंगे, फिर न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। और जो फाइव कार्डिनल साइंस देख रहे थे वो हर पांचों कार्डिनल साइंस आपको सब में दिखे ये जरूरी नहीं, लेकिन एक्यूट में सारे दिखते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगा तो आपको ये फाइव कार्डिनल साइंस सारे दिखेंगे। इसीलिए वेगार्ड साहब के बुक में जहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन उन्होंने डिस्क्राइब किया है वहीं पे उन्होंने सारे फाइव को लिखा। ठीक है, फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस है फॉर किसके, फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। सब में ये मिले ये जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट है सब एक्यूट। इसमें इडिमा धीरे धीरे कम होता है, रीअब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है, वाटर वापस ब्लड वेसल्स में जाता है, वैस्कुलर चेंजेस भी कम होने लगता है। अब इसमें जो न्यूट्रोफिल्स था, फिब्रीन था और न्यूट्रोफिल था, अब यह न्यूट्रोफिल के जगह पे कौन सा आने लगेगा? लिम्फोसाइट्स आने लगेंगे, मैक्रोफेजेस आने लगेंगे और प्लाज्मा सेल्स आने लगेंगे। यानी 48 टू 72 आवर्स के बाद जहाँ पे इंफ्लेमेटरी कंडीशन था, अगर उसको आप हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, सेक्शन काट के देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो 48 आवर्स तक आपको न्यूट्रोफिल्स बहुत दिखेंगे उस एरिया में। 48 टू 72 आवर्स के बीच में अलॉन्ग विथ न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस भी दिखने लगेंगे, लेकिन आफ्टर 72 आवर्स न्यूट्रोफिल ऑलमोस्ट नहीं दिखेगा एक्सेप्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस भी साथ साथ ही दिखते हैं। तो यूजुअली जो मेन मतलब अगर हम लोग इसको ज़्यादा अभी डाइवर्ट नहीं कर रहे तो मैं ये कहूँगा कि न्यूट्रोफिल को रिप्लेस करने लगते हैं मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स से। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे मैं आपसे कह रहा था 6 मिनट का भी रह गया है, 6 मिनट पर कट भी जाएगा और टाइम भी हो जाएगा आपका, जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि इनिशियल स्टेज में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लेटर स्टेज में लिम्फोसाइट्स और खासकर मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स आउटसाइड द ब्लड वेसल्स उसी को हम लोग मैक्रोफेज बोलते हैं। तो मोनोसाइट्स ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं दिखते नॉर्मल फिजियोलॉजी में, वही मोनोसाइट मैक्रोफेज हो जाता है। ठीक है, तो आउटसाइड इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे आफ्टर 72 आवर्स आपको मैक्रोफेजेस जैसे सेल्स ज्यादा दिखाई लगेंगे। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो उसको बोलते हैं सेमिक्यूट। नेक्स्ट इज क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए, कुछ एक्सटेंसिव डैमेज हुआ होगा, इतना डैमेज खतरनाक नहीं था कि डेथ हो जाए, परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक भी नहीं हो रहे हैं, मगर इतना भी खतरनाक नहीं था कि डैमेज हो जाए, इतना भी हल्का नहीं था कि ठीक हो जाए, तो चलता जा रहा है, कंडीशन चलता चला जा रहा है। तो जहाँ पे ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बहुत पुराना होता चला जाएगा वहाँ फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एरिया हार्ड हो जाता है शरीर में भी, जहाँ पे
गांव में देखो कुछ लोगों के जो काटने वाले जूते पहले एक कंसेप्ट था ना कि जूता थोड़ा टाइट या खराब लेदर का बना होता था, टाइम इरिटेशन करके वहां पे कड़ा कर देता था टायर। तो कड़ा पर क्यों है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर फॉर्मेशन होने लगता है और वो एरिया स्वेलिंग होने लगता है, मतलब इंफ्लेमेटरी फ्लूइड का स्वेलिंग नहीं है, एरिया ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के एक्युमुलेशन से टफ स्वेलिंग, फ्लूइड वाला स्वेलिंग नहीं होता। तो किसी एरिया में ट्यूमर जैसा बन गया, मान लीजिए स्वेलिंग हो गया, वो जो नॉर्मली नहीं था वहां पे अब बन गया। तो उसको बनाने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो एरिया अगर ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ब्लड वेसल से। तो ब्लड वेसल तो पहले था नहीं, इसका मतलब बनाना होगा वहां पर ब्लड वेसल्स। इसी को ना बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जहां पे होगा वहां पे नए नए ब्लड वेसल्स बनेंगे, फाइबर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सब रीजेनरेशन का ही तरीका है। और इन्फ्लेमेटरी सेल्स में खासकर मैक्रोफेजेस आपको दिखने लगेंगे, एपिथेलाइट सेल्स दिखने लगेंगे, मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स दिखने लगेंगे। क्रॉनिक में जायंट सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोफेजेस आप देख रहे हो सब एक्यूट वे दिख रहा है, लेकिन जायंट सेल्स का फॉर्मेशन क्रॉनिक कंडीशंस में ही होता है। एपिथेलाइट सेल्स का फॉर्मेशन क्रॉनिक कंडीशन में ही होता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है लेकिन इन जनरल रूल यही है, ठीक है। अगर उस एरिया में एपिथेलाइट सेल्स, जायंट सेल्स दिख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा प्लाज्मा सेल्स दिखे, लिम्फोसाइट्स दिखे, ये भी हो सकता है, लेकिन इनका दिखना तय है, जायंट सेल्स का, मैक्रोफेजेस का, एपिथेलाइट सेल्स का। तो अगर ये सेल्स दिख रहे हैं तो उस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है, मैं इसको आगे नहीं जाके, मैं चाहता हूँ कि आप कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप क्लियर कर लो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम चाहिए आपको समझने में। तो वैसे पढ़ा के निकल जाऊँ, आप समझे नहीं समझे, मेरा भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे पास अभी 2-3 मिनट है, आप चाहो तो कुछ क्वेरीज है तो उसको डिस्कस कर लीजिए। सर ये फाइब्रोप्लेसिया नहीं सुन रहा है क्या? फाइब्रोप्लेसिया, यस सर। प्लेसिया टर्म जहां भी लगे ना, प्लेसिया भी पढ़े होंगे, नहीं मुझे सर लगता है, डिस्टरबेंसेस इन ग्रोथ फैक्टर में आपको पढ़ना है। और ये टर्म तो मैंने वहां भी यूज किया था सेल इंजरी में, हाइपरप्लेसिया। प्लेसिया मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, ट्रॉपिक का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। तो यहाँ पे प्लेसिया है, मैंने उसका नंबर बढ़ रहा है, किसका? फाइब्रो का, मैंने फाइबर का, फाइब्रस सेल्स का, फाइब्रोब्लास्ट का, फाइब्रस सेल का, फाइबर भी सेल होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स, उसी को फाइबर बोलते हैं। जैसे नर्व को नर्व सेल नहीं बोलते, नर्व फाइबर बोलते हैं। ये नर्व फाइबर नहीं है, ये कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स हैं, जैसे कोलेजन्स हो गया, रेटिकुलर फाइबर्स हो गया, इलास्टिक फाइबर्स हो गया, उस तरह के जो फाइबर्स हैं उसका संख्या बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, जैसे कि कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर, उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाते होंगे? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म देता है, फाइबर्स इसलिए पड़ता है कि वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कोई भी चीज चल के जाए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पहुंचेगा, मैक्रोफेजेस पहुंचेंगे, ये पहुंचेगा, तो उड़के तो नहीं जाएगा, कोई तो चाहिए प्लेटफॉर्म जिसपे हर चीज चल के पहुंचे। तो फाइबर का फॉर्मेशन इसीलिए होता है कि एक तो वॉल ऑफ करता है उस एरिया को, कि जहाँ पे चेंजेस हो रहा है वही हो, ज्यादा दूर मत जाइए, मैंने आपको चेक लिया। फिब्रिन जितना कमजोर प्रोटीन है, फाइबर होता ही मजबूत प्रोटीन, ये बहुत टफ टेंसाइल प्रोटीन, तो उसको छेकने का कोशिश करता है, प्लस एक स्कैफोल्ड बनाता है जिसपे कोई भी चीज ट्रेवल होकर जा सके, उस साइड उस एजेंट को जिसपे उसको अटैक कर रहा है वहां तक पहुंचे, या उस एरिया को जहाँ उसको रिपेयर कर रहा है। तो फाइब्रोप्लेसिया ही है। और लास्टली मैं कहूँ कि मैं आई वॉज नॉट वेरी प्रिपेयर फॉर दिस क्लास, ये एट रैंडम हो गया, होना था डॉक्टर कौशल का, तो ये स्लाइड मेरे बहुत तो रॉ टाइप के ही बने हुए थे, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, उसके बाद ही इसको शेयर करूँगा आपको पढ़ने के लिए। इट वॉज जस्ट टू एंगेज यू फॉर योर टाइम, आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, इसी पर्पज से था। और ये टाइम फिनिश होने का है, आउट ऑफ कट हो जाएगा, सेकेंड्स की बात रह गई। चलो थैंक यू, आई विल एंड फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अभी है ना क्लास आपको कुछ दूसरा सब्जेक्ट? यस सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर।